जचगी के 40 दिन बाद भी खून आना। मुफ्ती साहब, अगर किसी औरत का बच्चा पैदा हो और इसको 40 दिन बाद भी ब्लीडिंग हो, थोड़ा सा खून आए, तो क्या वो गुसल करके नमाज शुरू कर सकती है और क्या ऐसी हालत में शौहर से मिलने की इजाज़त है? 40 दिन के बाद अगर खून आता है तो वो इस्तेहाज़े का खून है, वो हैज़ का खून नहीं है। जो निफास, जो बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है ना, वो निफास का खून कहलाता है। तो औरत को कंटिन्यू खून जितने दिन आएगा वो निफास का खून है, लेकिन 40 दिन के बाद भी आ रहा है तो औरत को चाहिए 40 दिन गुजरते ही गुसल करे, नमाज शुरू कर दे, तो वो पाक हो जाती है और उस पर तमाम पाक वाले अहकाम ही उस पर जारी होते हैं, चाहे वो ब्लीडिंग हो भी रही हो। मैं के और ससुराल में रोना मेरा हंसना सिला।